ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को ब्लॉक के स्तर पर, पंचायत सचिवालय के स्तर पर कम से कम परेशानी हो, ब्लॉक के चक्कर लगाते हैं वो उन्हें ना करना पड़े। पार्टी जिस विश्वास और भरोसे से जवाबदेही को दी है उसको पूरा करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सभी 11 मंत्रियों को विभाग का बंटवारा कर दिया है। इसके साथ ही कई मंत्री ने शुक्रवार को मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी विभाग में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका बुके देकर जोरदार स्वागत किया। अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए दीपिका पांडे मीडिया से मुखातिब हुई और कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे निर्वहन करने का प्रयास करूंगी। वहीं मंत्री ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को ब्लॉक व पंचायत स्तर पर कम से कम उन्हें परेशानी हो, ये हमारा प्रयास रहेगा और समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक के चक्कर उन्हें ना लगाना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। और पार्टी जिस विश्वास और भरोसे से जवाबदेही को दी है उसको पूरा करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। पिछले टर्म में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी गई थी उस काम को हम लोगों ने अच्छे से किया है और इस विभाग ने भी। और ये तो जैसे कृषि विभाग था, ग्रामीण इलाके से जुड़ा हुआ था, झारखंड के 70% से ज़्यादा आबादी से जुड़ा हुआ वो भी विभाग था और ग्रामीण विकास या पंचायती राज उसका ही एक स्वरूप है। और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को ब्लॉक के स्तर पर, पंचायत सचिवालय के स्तर पर कम से कम परेशानी हो और उनके जो समाधान जिनके लिए वो ब्लॉक के चक्कर लगाते हैं वो उन्हें ना करना पड़े, वो हमारी प्राथमिकता में होगा। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की चीज़ें कैसे आसान हो, उन्हें इस विभाग से, ग्रामीण विकास हो चाहे पंचायती राज से हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे और कितने आसानी से बगैर प्रखंडों के चक्कर लगाए उनका काम हो, ये प्राथमिकता पर करेंगे हम लोग। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।